सभी मैसेज के लिए, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज का मीटिंग थोड़ा सा लंबा हो सकता है, और जितना भी पुराने हमारे साथी है, नॉर्मल पार्टनर है, जो पहले से हमारे साथ में सिस्टम के साथ में एक कम्युनिटी मेंबर, कम्युनिटी पार्टनर का रूप में हमारा इस प्रोजेक्ट के अंदर में अपना कंट्रीब्यूशन के रूप में आप हमारे साथ में बने हुए हैं, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एंड तक बने रहेंगे मीटिंग्स का। बाकी नया लोग जो आज के मीटिंग पे ज्वाइन कर रहे हैं, हो सकता है कुछ नया लोग भी आज के सेशन पे होंगे, तो वो सारे लोगों को चॉइस के ऊपर भी है, वो कितना देर रुकना चाहते हैं, कितना देर नहीं रुकना चाहते हैं, उनको क्या बता करके सिस्टम के अंदर में, इस जूम सेशन के अंदर में उनको इन्वाइट किया गया, मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट मैं, मेरा जो नोड वे पार्टनर है, उन सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कम से कम वो इस मीटिंग का पूरे एंड तक बने रहेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसा कि लगभग मैं देख पा रहा हूँ 160, मतलब 161% आज के इस जूम सेशन के अंदर में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और मैं मानता हूँ इसमें सभी लोग हमारा नोड होल्डर ही होंगे, हो सकता है गिने चुने कुछ नया लोग भी इस मीटिंग के अंदर में शामिल हो सकता है। तो मैंने शुरू से बात करूंगा क्योंकि एक प्रेजेंटेशन का रूप में भी रहेगा, और इसके अलावा कुछ नया जानकारी आपको इस सेशन के अंदर में मिलने वाला है, जो नया एडिशन होगा प्रोजेक्ट को, अबाउट प्रोजेक्ट, हमारा नोटबुक का प्रोजेक्ट होगा, राइट। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले विदुर जी ने बता ही दिया है, मेरा नाम नीतू कुमार राय, इंदौर से बिलोंग करता हूँ, और शुरुआत से ही नॉर्वे का शुरुआत के से ही इस सिस्टम के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। अगर इंडिया में बात किया जाए तो समझ सकते हैं कि मैं वो बंदा हूँ जो पहले इंडिया में इस कॉन्सेप्ट में मैंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, अपना योगदान दिया था इस सिस्टम के साथ में। तो एक्चुअली में आपके छोटे से कहानी भी हो या फिर जो चीज आप जानते हो उसके रूप में हम लोग बात करना चाहेंगे कि एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट कैसे बनता है, एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट कैसे बनता है, राइट। और इसके छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा कि डिजिटल और फिजिकल, फिजिकल को एग्जाम्पल लेते हुए मैं आपको डिजिटल पर समझाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज हमारे नोडवे पार्टनर सभी लोग, हो सकता है बहुत सारे ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं और बहुत सारे चीजों के बारे में वो जानते भी होंगे, लेकिन उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको रिपीटिंग हो रहा है तो प्लीज आप अपना पेशेंस बनाए रख करके इस सारे बातों को आप एक बार दोबारा से सुने, ताकि हमको वो चीज पूरा क्लियरिटी साथ में हमारा दिमाग में बैठ जाए। तो यहाँ पे एक मैसेज आया मेरे पास में कि आपके मोबाइल को अगर सीधा रखा जाए तो ठीक रहेगा, लेकिन एक्चुअल क्या है, ये जो टैब से मैं मीटिंग कर रहा हूँ और इसके जो कैमरा का फेस है, मैंने इसको रोटेट किया है, और रोटेट करने में मुझे मीटिंग करने में भी आसानी रहेगा, और इसके अलावा स्क्रीन शेयर करने में भी आसानी रहेगा मेरे लिए, और इसको स्टैंड जो है ना उसी हिसाब से बनाते हैं, उसको कैमरा थोड़ा सा उल्टा दिशा में है, इसलिए मेरा जो फोकस होगा मीटिंग्स का, उस मीटिंग्स का फोकस हो सकता है फ्रंट पे ना दिखे, राइट। तो इसलिए थोड़ी सी आपको कष्ट हो सकता है कि किधर देख के बात कर रहा है, ऐसा लग सकता है, ठीक है। तो थोड़ी सी आप उसके आप उसको अदरवाइज ना ले, राइट, मैं बिल्कुल फ्रंट ही देख रहा हूँ, लेकिन कैमरा उल्टा दिशा में होने के कारण से मेरा फेस ऐसा लगता है कि किसी और दिशा में देख करके बात कर रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अच्छा दूसरी बात, यहाँ पे काफी सारे लोग मुझे रिकॉर्डिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और इतना सारे लोगों को रिकॉर्डिंग का परमिशन हम नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी हम हमारा इस सेशन को रिकॉर्ड किया जा रहा है, और ऑलरेडी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिनको चाहिए होंगे तो आप बिल्कुल आपको मिल जाएगा जूम सेशन, तो एक जगह से इसको रिकॉर्ड होने दें, बार बार आप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आप सेंड ना कीजिए प्लीज, राइट। तो आप उसको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन को बंद कर दीजिए, राइट। तो यहाँ पे ये सारे चीज़ के लिए आप को परमिशन के लिए आप बार बार मैसेज सेंड नहीं करें, जिससे मीटिंग का डिस्टर्बेंस होगा, ऑलरेडी हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तो दोस्तों एक प्रोजेक्ट जब बनते हैं, जैसे कि सपोज मान लेते हैं हम लोग कोई एक शॉपिंग मॉल बनाना चाहते हैं, कोई शॉपिंग मॉल बनाना चाहते हैं, उसके सबसे पहले हम लोग कुछ दोस्त मिलते हैं और उसके प्लान बनाते हैं कि किस जगह पे, किस लोकेशन पे हमारा शॉपिंग मॉल को बनाया जाए, राइट। तो उस शॉपिंग मॉल का सबसे पहले हम लोग एक इंजीनियर के पास में हम लोग जाते हैं, जो उनके पास में एक प्लान डिजाइन करते हैं,
और प्लान जब हमको पसंद हो जाते हैं, पसंद होने के बाद फिर हम उसका ब्लूप्रिंट निकालते हैं, और ब्लूप्रिंट निकालने के बाद हम लोग उस पूरी शॉपिंग मॉल को स्टैंड करने के लिए, पूरी कंप्लीट करने के लिए हम लोग स्टार्टिंग में कुछ इन्वेस्टर को हम ढूंढते हैं कि कौन कौन हमारे साथ में पार्टिसिपेट करेगा इस शॉपिंग मॉल का ऑनरशिप के लिए। हम लोग फंड राइजिंग का काम करते हैं, है ना, बेसिकली ऐसा ही किसी प्रकार की प्रोजेक्ट होता है। मैं एक एग्जाम्पल के साथ में आपको इस सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। तो उसके बाद में जब उसके ब्लूप्रिंट निकाल देते हैं, और निकालने के बाद फिर हम उस प्लान के जरिए, उस सिस्टम के जरिए हम लोग फंड राइज करते हैं मार्केट से। उसके बाद में हम लोग काम चालू करते हैं, और उसके बाद जब फंड आता है हमारे पास में, फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है। और जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो जिसने जितना पैसा लगाता है तो उसके एवज में उसको कितना परसेंटेज मिलना चाहिए उस प्रॉपर्टी का, पूरी कंस्ट्रक्शन बन के जब रेडी होता है तो किसके हिस्से में कितना जाएगा वो हम लोग डिसाइड करते हैं। उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बनाते हैं, राइट। जिसने ज्यादा पैसा लगाता है तो उसको थोड़ी सी जो उसके जो हिस्से का मिलने वाला होता है वो ज्यादा मिलता है, उस प्रॉपर्टी में उसके ज्यादा शेयर होता है। और जो थोड़ा कम लगाते हैं उसको थोड़ी सी कम होता है, जो थोड़ा और कम लगाते हैं उसको कम होता है। तो अकॉर्डिंग टू पेमेंट, उसने कितना पेमेंट लगाया उसी हिसाब से उस पूरी प्रॉपर्टी का कंट्रीब्यूशन उसके हिस्सेदारी बनाया जाता है। और इसके इसके बाद उसके कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई स्टाम्प बाइंडर के पास में जाते हैं, और हमारा जो पार्टनरशिप डील होता है वो सारे डील हम लोग कंप्लीट करके हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद फिर हम लोग रजिस्ट्री विभाग में जाते हैं, और हम उसको रजिस्ट्री करते हैं। रजिस्ट्री करने के बाद हमें ये सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि भैया हमारा पार्टनरशिप में कोई परेशानी नहीं होगी। कारण क्या है कि रजिस्टर्ड यानी कि वहाँ का गवर्नमेंट हमारा इस पे स्टाम्पिंग किया है, उन्होंने साइन किया, उन्होंने रजिस्टर किया है, तो हमारे साथ में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होगा। इस प्रकार से एक प्रोजेक्ट का शुरुआत होता है, ठीक है, एक फिजिकल प्रोजेक्ट का। उसके बाद में अब वहीं पे अगर हम लोग क्रिप्टो प्रोजेक्ट की अगर देखें तो क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी इसी प्रकार से ही बनता है, लेकिन फर्क क्या होता है वहाँ पे डिजिटल, यहाँ पे डिजिटल सिस्टम में होता है, सारे चीज यहाँ पे डिजिटल सिस्टम में होता है। और डिजिटल फॉर्म में होने का कारण से सारे काम काज भी डिजिटलाइज होना चाहिए। तो हम लोग प्रीवियस जो प्रोजेक्ट इससे पहले बन चुका है उस प्रोजेक्ट को देखते हुए हम हमारी प्रोजेक्ट के अंदर में क्या सिस्टम लाया जाए जो पहले नहीं था, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम लोग क्या ला सकते हैं, उन सारे चीजों को हम लोग डिजाइन करते हैं। और उस समय में जैसा मैंने पहले बोला, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले जब प्लान बना के उसको तो ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, तो उस समय में क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए होता है, क्रिप्टो प्रोजेक्ट पे भी सेम चीज होता है, हम एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो क्रिप्टो प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसी प्रकार का जो क्रिप्टो ग्राफिक्स होता है, क्रिप्टो का जो नॉलेजेबल बंदा होता है, जो इस सेक्टर का मास्टरमाइंड होता है, जो ब्लॉकचेन के बारे में बहुत सारे नॉलेज रखते होते हैं, उस प्रकार की एक व्यक्ति से हम एक प्लान डिजाइन करते हैं। और डिजाइन करने के बाद फिर उसको हम लोग ऑडिट करवाते हैं। ऑडिट कराने के बाद फिर उसको ब्लूप्रिंट निकालते हैं, और वो होता है एक लेयर थ्री, मतलब स्टार्टिंग प्रोजेक्ट स्टार्टिंग होने से पहले के जो कहानी है। फिर वो प्रोजेक्ट जब फाइनल हो जाता है फिर हम लोग फंड राइजिंग काम करते हैं। अलग अलग क्रिप्टो करेंसी में अलग अलग तरीके से फंड राइजिंग का काम करता है। तो जैसा मैं मैटिक की बात करूं तो मैटिक ने जब स्टार्टिंग शुरू किया था तो उन्होंने आईसीओ के माध्यम से, यानी कि प्रोजेक्ट रेडी हो गया, अब उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए फंड की जरूरत है, तो फंड की जरूरत है तो फंड हम मार्केट से फंड राइज करते हैं। तो मार्केट से फंड राइज करने के लिए उन्होंने एक ऑफर निकाला था कि 40% हमारा जो एसेट होगा इस पूरी डिजिटल करेंसी से, जो यूजेस होगा, हमारा जो इकोसिस्टम बिल्ड होगा और उसके जो ट्रांजेक्शन मेथड रहेगा वो होगा मैटिक कॉइन के ऊपर में, अगर मैटिक प्रोजेक्ट की बात करा जाए तो मैटिक एक क्रिप्टो करेंसी बना दिया, और उस इकोसिस्टम में जितना भी पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेंट करेगा, उसके जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो सारे ट्रांजेक्शन हमारा इस मैटिक से होगा। ऐसा उन्होंने तय किया कि भैया एक मैटिक से हमारा ट्रांजेक्शन होगा, और इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए जो आर्ली कंट्रीब्यूटर होता है उनके पास में जाके बताया जाता है कि आईसीयू यानी इनिशियल क्रिप्टो ऑफरिंग हम लोग शुरू करने जा रहा है। तो उसमें अगर अभी हमारा साथ में अगर आप पैसा का कंट्रीब्यूशन करते हैं इस प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट होने के लिए, तो
आपको कम रेट में एकदम 0.00 पॉइंट का हिसाब से जो रेट होगा उस रेट में आपको 40% टोकन हम लोग देंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे उस प्लान के ऊपर में देखते हैं कि इस प्लान का सिस्टम क्या है, इनको इकोसिस्टम क्या है, उसको देखने के बाद अगर उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है तो व्यक्ति फंड लगा देता है, यानी कि उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है और उनके बताए अनुसार में उनके जो रेट होता है उस रेट के हिसाब से उनको उतना परसेंट टोकन उनको मिल जाता है, राइट। इस प्रकार से हर एक प्रोजेक्ट जब डेवलपमेंट होता है तो एक फंडराइज के बाद एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हर एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट, मैं आपको जो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया, नो डाउट जब हम क्रिप्टो की बात करने जा रहा है तो क्रिप्टो के अंदर में आज के तारीख में इतना सारे सिस्टम मार्केट में आया हुआ है दोस्तों, इतना सारे सिस्टम, क्योंकि अभी बुल मार्केट यानी कि बीटीसी का जो हल्विंग ईयर होता है, जिस साल में बिटकॉइन का हल्विंग होता है, और आप सभी लोग क्रिप्टो से अगर बिलोंग करते हैं तो आप सभी लोगों को पता होगा कि पिछला 19 अप्रैल को बिटकॉइन का हल्विंग हुआ है, और हल्विंग के 7-8 महीने के बाद एक बुलिश मार्केट आता है जहां पे क्रिप्टो मार्केट एक बहुत बड़ा हाई को टच करता है और एक नया हाई का रिकॉर्ड बनाता है, पुराना जो रिकॉर्ड है इसको ब्रेक करके एक नया हाई वहां पे क्रिएट करता है, राइट। तो इस बुल मार्केट को देखते हुए बहुत सारे ऐसा स्कैमर मार्केट में आता है और आ करके अलग अलग क्रिप्टो, अलग अलग क्वाइन डिजाइन करके, अलग अलग आरओआई बेस्ड प्लान बना करके, अलग अलग सिस्टम बना करके मार्केट से फंड राइज करना शुरू कर देता है, और उसके बाद में और वो बुलिश मार्केट को दिखाता है, बिटकॉइन को सामने में रखता है या अदर जो सक्सेसफुल क्रिप्टो करेंसी है उसको सामने में रखता है, और रखने के बाद वो मार्केट से फंड राइज करता है, और जैसे ही बुलिश मार्केट खत्म हो जाता है उससे पहले वो सारे सिस्टम बाहर जा चुका होता है। सेम इसी प्रकार क्या आज के तारीख में अगर क्वाइन मार्केट कैप में देखेंगे ऊपर में 2.4 मिलियन क्रिप्टो करेंसी इस मार्केट में लिस्टिंग है, जिस 2.4 मिलियन मेरा मतलब 24 लाख क्वाइन इस समय क्वाइन मार्केट कैप में लिस्टिंग है, और इस 24 लाख क्रिप्टो करेंसी से में से 10,000 प्रोजेक्ट ऐसा है जो लाइव है। उस 10,000 प्रोजेक्ट में से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो टॉप 10 के अंदर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे टॉप 10 में कितना सारे हैं, टॉप 100 में कितना प्रोजेक्ट है, और किसने कब स्टार्ट किया था, किसका क्या पोजिशन है और कौन क्या है। इसमें से सभी क्रिप्टो में आपको बीटीसी का नाम लेकर के कोई भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आकर के फंड राइज करते हैं और उसमें आपको पैसा बनेगा, वो स्कैम कर रहा है या फिर एक रियल प्रोजेक्ट आपको सामने में लेकर रहा है, इसको आपको पता नहीं होता है, और हम लोग बिना नॉलेज का उसमें पैसा लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान होता है और हमारा इन्वेस्टर का भी नुकसान होता है, वो असुरक्षित होता है। तो आज के मीटिंग्स के अंदर में हम वो पैरामीटर आपको देंगे कि जिसके माध्यम से आज आप नोडवेस के सिस्टम के साथ साथ में जुड़े होने के साथ साथ में कितना प्रॉफिट आप करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, बट आपको कुछ पैरामीटर ऐसा मिल जाएगा जिसके माध्यम से क्या क्या कौन कौन जो विषय कौन कौन को चीजें आपको ख्याल रखा जाएगा इस मार्केट में पैसा निवेश करने से पहले, यानी कि सावधानी क्या क्या बरतनी है आपको, उन सारे चीज का आपको पता लग जाएगा इस सिस्टम का। आज नोडवेब्स का जो भी मैं बातचीत करूंगा हमारी प्रोजेक्ट को देखते हुए आप सभी लोग इस चीज के बारे में समझ जाएंगे, राइट। इसीलिए मेरा सभी नोडवेब पार्टनर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मीटिंग का एंड तक थोड़ी सी समय ज्यादा लगे फिर भी एंड तक मीटिंग में बने रहने का कोशिश कीजिएगा, और अगर नया लोग क्रिप्टो के लिए मन बना रहा है, विचार बना रहा है, तो थोड़ी सी सावधानी के साथ में आज का पूरा सेशन को कंप्लीटली अगर आप अटेंड करेंगे तो बहुत सारे चीजों से, बहुत सारे स्कैम से हो सकता है आप बच जाए, या बहुत सारे लोगों को आप अवेयर कर सकते हो कि इस मार्केट में भैया किस सिस्टम के साथ में जाना चाहिए, किस सिस्टम के साथ में नहीं जाना चाहिए, इसके पूरी चीज आप खुद भी क्लियर होंगे, आपके फ्रेंड को भी क्लियर कर पाएंगे, राइट। तो मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये हमारा नोडवेव्स का जो प्रोजेक्ट है, इस नोडवेव्स के बारे में पूरे बातचीत करूंगा, और इस नोडवेव्स से बातचीत करने से पहले मैंने दो चीज का खास करके, मैंने प्रोजेक्ट जो स्टार्ट होता है, स्टार्ट के बाद में बात की कहानी क्या होता है कि लेयर 3, और लेयर 3 के बाद लेयर 2 ब्लॉकचेन, उसके बाद में लेयर 1 ब्लॉकचेन, तो 3 प्रकार की ब्लॉकचेन हो सकता है। पूरी चीज के मैं आपको क्लियरिटी आज नहीं दे पाऊँ, और आप तो जिसने भी इन्वाइट किया, जो भी हमारा इस टीम का पूरा ना हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता होगा, नहीं तो उनके साथ में एक और प्रोग्राम करूंगा कि इस तीनों जो ब्लॉकचेन होता है उसको किसके क्या काम होता है, कैसे काम करता है, अगर मेरे पास में समय होगा तो मैं ये भी आपके साथ में शेयर करूंगा आज के इनिशिएशन के माध्यम से, राइट। तो
आप लोग जुड़े रहेगा मेरा साथ में। तो यहाँ पे जहाँ पे मैं प्रोजेक्ट के शुरुआत की अब मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे अगर मैटिक को हम लोग देखें या कोई भी प्रोजेक्ट को हम उठा सकते हैं, तो मैटिक का जो नाम हम ले रहे हैं तो आज के तारीख में लगभग मैटिक सबकी नजर पे है। तो हम मैटिक से अगर बात करते हैं, यहाँ पे पॉलीगन मैटिक को मैंने ओपन किया दोस्तों, और ये इसके कैंडल स्टिक एनालिसिस पॉइंट मार्केट का चार्ट, और इस चार्ट को अगर देखेंगे तो ये जो मैंने ऑल टाइम इसमें हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे जो कॉइन मार्केट क्या वो कॉइन मार्केट का रिपोर्ट के अनुसार में जब कॉइन मार्केट में रजिस्टर्ड हुआ था, कॉइन मार्केट के अपने लिस्टिंग हुआ था, उससे पहले इनिशियल मार्केट में भी था उनका ये मैटिक, तो उसके रेट अलग था। और जिस दिन कॉइन मार्केट के अपने लिस्टिंग हुआ, जहां तक कॉइन मार्केट के पास में इसका डेटा है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे पहला स्टार्टिंग जो कैंडल जहां से शुरुआत हुई है, अगर वहां पे आपको नजर जा रहा है तो आप बिल्कुल वहां पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे 0.00418 से इसका शुरुआत हुई कॉइन मार्केट कैप में, राइट। और इस मार्केट में यहाँ से लेकर अगर आप इस पोजीशन पे आ जाए, यहाँ पे मेरा कर्जर जा रहा है आपको दिख रहा होगा, इस पोजीशन पे अगर जाए तो इस पोजीशन में जाने के लिए ये है 10/1/2021, और ये जो शुरुआत का डेट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लगभग 10/5/2019, यानी 2019 से भी अगर हम काउंट करते हैं, जो 2019 में लिस्टिंग होने के बाद में 0.10 मतलब 00 से स्टार्ट होकर के 1 0 आगे से हट गया, और हट करके 11 सेंट पे ये पहुंच चुका था, और इसी रेट को इसी प्रकार का छोटे छोटे वेव छोटे छोटे अप डाउन का माध्यम से मार्केट इस प्रकार से चला, इस प्रकार से यहाँ तक कोई ग्रोथ आपको ज्यादा बहुत बड़ा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिला, और ये प्राइस यहाँ तक आया। तो ये जो प्राइस है 0.033 सेंट इसका रेट है, राइट। यहाँ पे यानी कि लगभग आप समझ सकते हैं, अगर आईआर में बात करूँ तो लगभग 3 रुपया 3.5 रुपया के समथिंग यहाँ पे रेट गया, जबकि ये 44 पैसा 44 पैसा, या अगर आईएनआर में बात करो लगभग 40 38 से 40 पैसे के समथिंग यहाँ पे पॉइंट का मार्केट ने रिपोर्ट दिखा रहा है। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहिए, ये जो स्टार्टिंग डेट से लेकर यहाँ तक का अगर सफर हम देखें, तो ये जो 3 साल का टाइमिंग है दोस्तों, इस 3 साल में किन लोगों ने इस मार्केट पे एंट्री किया, ये मेरे सिर्फ मैटिंग का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों। हर क्रिप्टो करेंसी के अंदर में किसी भी प्रोजेक्ट इसी प्रकार से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो रेट आपको नहीं दिखा, लेकिन उसके बाद में एक लंबा समय तक इसी रेट में हल्का फुल्का वेव लेते हुए मार्केट चला मार्केट चला, और यहाँ तक आके मार्केट यहाँ से फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर यहाँ पे मूव किया, ठीक है। तो ये जो टाइमिंग होता है दोस्तों, तो इस क्रिप्टो मार्केट मार्केट में एंट्री करने से पहले खास करके अगर बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा मल्टी टाइम आप अपना पेमेंट का ग्रोथ चाहते हैं, तो इस क्रिप्टो मार्केट में 3 बातों को विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है। 3 बातों, सबसे पहले आप ध्यान दें उनकी इकोसिस्टम क्या है, उनके प्रोजेक्ट क्या है, लेकिन मेजर जो 3 बातें हैं वो 3 बात क्या है, 3 फेस होता है क्रिप्टो मार्केट का, 3 फेस होता है। एक फेस होता है पहला, जो फर्स्ट फेस होता है वो होता है आपके एसेट गेनिंग, यानी कि आपके माल बटोरने का समय, अगर हिंदी की बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा कंपाउंडिंग करके स्टेकिंग करके, या जो भी व्हाट एवर जो भी उसका प्रोग्राम है, जो उनके माइनिंग का प्रोसेसर क्या है उसके ऊपर में निर्भर करता है, तो उसी माइनिंग प्रोसेसर में आप पार्टिसिपेट करके जो आप लगातार क्रिप्टो बनाते हो और एसेट बनाते जाते हो, तो ये पहला फेस होता है एसेट गेन करने का। दोस्तों इस चीज को नोट डाउन कीजिएगा, ये पहला जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट मार्केट में आता है लॉन्चिंग से पहले, सेंट्रलाइजेशन से पहले फंड राइजिंग होता है, उसी समय से यहाँ पे एसेट गेनिंग चालू हो जाता है। तो पहला जो फेस होता है वो होता है एसेट गेनिंग का, दोस्तों आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। और उसके 20 का एक और फेस होता है जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट फेस, सेकेंड फेस होता है डेवलपमेंट फेस, और थर्ड का जो फेस होता है वो फेस होता है प्राइस गेनिंग फेस, राइट। तो यहाँ पे हर एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट पे इसी प्रकार से स्टार्ट होता है कि पहले अब उस एसेट गेन होता है, एसेट गेन जो करते हैं तो वो कैसे होता है एसेट गेनिंग, एसेट गेनिंग करने के लिए यहाँ पे
एक चीज और आप लोग नोट डाउन करते हैं, इस पूरी क्रिप्टो एंटायर क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में आपको चार प्लेयर होता है, चार प्लेयर चार खिलाड़ी होता है इस पूरी मार्केट को, इस पूरी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए चार प्लेयर होता है, राइट। तो पहला प्लेयर जो होता है जो स्टार्टिंग पे आते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग पे आते हैं और स्टार्टिंग पे आकर के वो अपना एसेट को गेन करते जाते हैं। ये कौन लोग होते हैं दोस्तों? ये लोग होते हैं माइनर। तो पहला प्लेयर क्या हो गया इस पूरे प्रोजेक्ट का? माइनर, यानी कि आप माइनिंग में पार्टिसिपेंट कर रहे हो और माइनिंग में पार्टिसिपेंट करके आप एसेट गेन कर रहे हो, राइट। सेकेंड प्लेयर आता है, जो सेकेंड प्लेयर होता है वो होता है मार्केटर, यानी कि हो सकता है मार्केटिंग करके ये उसका इकोसिस्टम अच्छा है, इस प्रोजेक्ट के अगर मैं मार्केटिंग करूं तो एक मार्केटिंग फंड जो रखा हुआ था हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग सिस्टम के अनुसार में, तो उस पैसों को लेने के लिए बहुत सारे मार्केटिंग लीडर इस सिस्टम के साथ में कंट्रीब्यूट करता है, तो वो मार्केटिंग करके अपना एसेट को गेन करता है और उसी एसेट को फिर कंपाउंडिंग रिकंपाउंडिंग रिकंपाउंडिंग करके एक बड़ा एसेट को बनाता है, ठीक है। तो ये दूसरा प्लेयर हो गया आपका कौन सा? मार्केटिंग मार्केटिंग टीम। और तीसरा एक और प्लेयर आता है, जब ये दोनों प्लेयर एंट्री ले लेता है उसके बाद और बीच में फिर आ जाता है डेवलपमेंट, और जब डेवलपमेंट होता है तो दूसरा फेज में डेवलपमेंट होता है, एसेट गेनिंग के बाद डेवलपमेंट शुरू हो गया, डेवलपिंग का काम चलता है, उस समय में सेंट्रलाइज मार्केट या फिर डिसेंट्रलाइज मार्केट में ये लिस्टिंग हो जाता है, और ये सिस्टम का इकोसिस्टम का वजह से वो ब्रांड होता है, और ब्रांड जिस सिस्टम होता है तो मार्केट में पहले से कमोडिटी रेडी बैठा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडर, मार्केट में ट्रेड करता है, वो एनालिसिस करता है कौन सा प्रोजेक्ट किस तरह से है और किस प्रोजेक्ट में मैं ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग करके पैसा बना सकूंगा। तो ये एक अलग कम्युनिटी है जो हर एक एक एक्सचेंजर के पास में एक बड़ा बड़ा कम्युनिटी है, राइट। और इस ट्रेडर लोग जब किसी क्रिप्टो को बारे में ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर लेकर ज्यादा वॉल्यूम जनरेट करता है तो उसके रेट आप होना शुरू करता है, यानी प्राइस गेनिंग का टाइम आ चुके हैं। ट्रेडर लोग जब आता है तो प्राइस हाई हो जाता है, तब तक किसी प्रोजेक्ट का इकोसिस्टम का उनके यूज केस मार्केट में आ जाता है, और जब यूज केस मार्केट आता है तो लास्ट का जो प्लेयर होता है चौथा नंबर का प्लेयर वो होता है यूजर, यानी कि इस इकोसिस्टम का प्रोडक्ट वो यूज करता है और इकोसिस्टम को प्रोडक्ट वो यूज करके वो पैसा बनाता है, और यही यूजर प्लस ट्रेडर ये दोनों मिला करके रेट को एक हाई लेवल पे ले जाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे यहाँ तक का ये जो सफर आपने शुरू किया था यहाँ से और इस सफर को यहाँ तक आपने एसेट गेन किया, यानी कि 2019 से लेकर 2021 तक एसेट गेनिंग का पीरियड था अगर मैट्रिक के में बात करूँ तो, उसके बाद में यहाँ से ट्रेडर आया प्लस यूजर आया मार्केट में, ट्रेडर आया यूजर आया मार्केट में और यहाँ पे यहाँ तक रेट को ले गया इन्होंने, यानी कि $1.93 लगभग $2 के समथिंग यहाँ पे एक हाई मारा। तो जिन लोगों ने यहाँ से जो कुछ लोग कुछ यहाँ पे एसेट गेन किया था तो इस मोमेंट पे जाने के बाद यहाँ पे जाने के बाद कुछ लोगों ने अपना कुछ एसेट को सेल किया, यानी कि जो लोग यहाँ से इन्वेस्टमेंट किया था और इन्वेस्टमेंट करके अपना एसेट बनाया वहां से सेलिंग किया 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 और सेलिंग किया, मार्केट यहाँ तक आया है ना। तो प्रॉफिट हुआ कौन? जो लोग पहले एसेट गेन किया था वो लोग यहाँ से प्रॉफिट लिया और रेट जहाँ पे $2 पे था वहां पे 0.8 सेंट पे आ गया मार्केट। अब जब इस 8 सेंट पे आ गया तो ट्रेडर को यूजर को प्लस जिन्होंने एक बार प्रॉफिट बनाया उनने फिर से यहाँ से बाइंग करना शुरू किया और शुरू करके फिर मार्केट यहाँ पे फिर प्राइस दिया फिर प्राइस दिया फिर प्राइस दिया फिर प्राइस दिया और मार्केट ने एक नया हाई क्रिएट किया और यहाँ पे $2.72 यहाँ पे हाई मार दिया दोस्तों, ठीक है। तो आप कल्पना कीजिए जहां पे 0.0044 सेंट से सीधा $3 में अगर ये जाता है और यहाँ से कितना बड़ा एसेट उन्होंने बना चुका होता है, तो वो कितना बड़ा पैसा बना चुका होता है दोस्तों। तो क्रिप्टो मार्केट में सबसे पहले आप उसको मैकेनिज्म समझे और समझने के बाद आपको कौन सी समय में इस मार्केट में एंट्री करना होता है और कौन से समय में आपके कुछ एग्जिट होना होता है कुछ आपको प्रॉफिट निकालना होता है। तो पहला फेज आपको किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के जो 2 से 3 साल का पहला जो टाइमिंग होता है वो होता है एसेट गेनिंग का टाइम, उसके बाद में आता है प्राइस गेनिंग का टाइम जो आपने एसेट किया,
प्राइस अच्छा मिला, यूज केस मार्केट में आया, देन आप वहां से एक बड़ा प्रॉफिट अपने मार्केट से निकाला। तो जब आपने बड़ा प्रॉफिट निकाला, मार्केट थोड़ी सी नीचे में आया, वहां पे एक नया कम्युनिटी आया और सिस्टम को ब्रांडिंग को देखते हैं वहां से बाई किया, मार्केट फिर एक नया लेवल का हाई बनाया और फिर आपने फिर पैसा वहां से बनाते हैं। तो ये आपके टाइमिंग होता है क्रिप्टो मार्केट का, विशेष करके इस बात को। तो इसलिए आपको पेशेंस जरूरी है, अगर बिग बिग अमाउंट, अगर बड़ा पैसा इस मार्केट से बनाना चाहते हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना। मैंने शुरुआत किया था पेशेंस कहाँ तक रखनी है, यहाँ तक तो ने रख ही लिया, और अगर यहाँ पे रेट चला गया और यहाँ से सेल किया तो आपने कम प्रॉफिट किया, अगर यहाँ गया तो थोड़ा सा और ज्यादा प्रॉफिट बनाए, और अगर यहाँ गया तो और थोड़ा सा प्रॉफिट बनाए यहाँ पे, और अगर यहाँ पे सेलिंग किया तो आपने कुछ प्रॉफिट निकाल लिया, निकालने के बाद यहाँ से कुछ नया कम्युनिटी आया फिर से बाई किया, इन लोग यहाँ से प्रॉफिट निकालना शुरू करेगा और वो ये नया जो हाई बनाया मार्केट ने, वहां से जाके इन लोगों ने फिर इन्हें प्राइस गेन किया। तो हर एक कम्युनिटी इस मार्केट से काम आता है दोस्तों, लेकिन कौन सा कम्युनिटी कब एंट्री किया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले उस प्रोजेक्ट का, अब हम लोग आते हैं कि इस ये जो हमने आपको ये सिस्टम बताया, ये जो एसेट गेन करने का टाइम है, इस एसेट गेन करने के समय में उस टेक्नोलॉजी क्या क्या है ना, क्योंकि एसेट में मैंने पहले बताया पहला प्लेयर कौन सा था, माइनर, यानी कि जो माइनिंग में पार्टिसिपेट करता है, यानी जो प्रोड्यूसिंग करता है, टोकन को डायरेक्टली उसके पास में आता है, मार्केट से खरीदता नहीं है, क्रिप्टो एक्सचेंज जो बाई नहीं करता है, डायरेक्टली उसके पास में जो नेटिव टीक है, जो सिस्टम में पूरा प्रोग्रामिंग किया हुआ है कि टोटल सप्लाई मेरा इतना क्वाइन बनेंगे, और वो जो नेटिव टोकन स्टार्टिंग में बिल्कुल बिल्कुल एकदम हल्का रेट में खरीदने को मौका मिलता है, या फिर उनके पास में कुछ नोड्स होता है, यानी माइनिंग प्रोसीजर जो होता है, चाहे आप बिटकॉइन का माइनिंग बोले, चाहे इथेरियम का माइनिंग बोले, चाहे व्हाटएवर प्रोजेक्ट, कोई सा भी प्रोजेक्ट का जब आप माइनिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो वहां पे विदाउट नोड का आप माइनिंग नहीं कर सकते उस। आपके पास में एक नोड लाइसेंस होता है माइनिंग करने के लिए, तो जब वो नोड लाइसेंस जब आप बाई करते हैं तो उस प्रोजेक्ट का वैलिडेटर बन जाते हैं, एज ए माइनर का रूप में आप पार्टिसिपेंट करते हैं, आप लगातार एसेट गेन करते हो किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को ले लो दोस्तों, आप चाहे तो यहाँ पे नोडवेक्स को ले लो, चाहे तो व्हाट एवर, आप चाहे इथेरियम को ले लो, चाहे बीएनबी को ले लो, सोलाना को ले लो, एडा को ले लो, कोई भी कॉइन को, इसी प्रकार से एक सिस्टम बनता है और इसी प्रकार से हर माइनर उस समय में एंट्री करता है उस प्रोजेक्ट को देखने के बाद दोस्तों, राइट। अब यहाँ पे मेथड आता है कि जैसे सपोज मान लेते हैं, आज अगर मैं इसके बात करूँ आपको बीटीसी की, अगर बात करूँ यहाँ पे अगर मैं बिटकॉइन की बात करूँ तो बिटकॉइन का जो मेथड है जो फर्स्ट नंबर पे है, तो बिटकॉइन का आप सभी लोगों को पता है इसके जो माइनिंग प्रोसेसर है, इसके जो नोड है, माइनिंग प्रोसेसर है प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ वर्क यानी कि इसके जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि दोस्तों आपको इतना तो पता होगा कि इंटरनेट के जमाने में जितना ज्यादा अपग्रेड सिस्टम आपके पास में होगा उतना ज्यादा आप टॉप पे रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे बीटीसी आज टॉप पे क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि वो सबके जन्मदाता, यानी कि दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार करके ब्लॉकचेन में डिप्लॉय करने वाला पहला जो सिस्टम आया वो बिटकॉइन आया, राइट। और उसी एक बिटकॉइन ने जो प्रोसेसर लेके आया कि डायरेक्ट एसेट गेन करने का जो मेथड होगा, नो डाउट नोड ही होगा, बट उसमें एक प्रोसेसर होगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम, यानी कि बिटकॉइन का माइनिंग मेथड है प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम, राइट। इसके बाद में आपके सेकेंड प्रोजेक्ट मार्केट में आपको दिख रहा है इथेरियम मार्केट में आया, सेकेंड दो नंबर का आप देख सकते हो इथेरियम मार्केट में आया। तो इथेरियम इथेरियम क्या ले क्या, तो इथेरियम का जो माइनिंग मेथड है यानी कि एसेट करने का जो मेथड है वो है प्रूफ ऑफ स्टेकिंग। तो क्या स्टेकिंग, क्या इनका सिस्टम क्या है, एक साथ है बिटकॉइन का, अगर आप नोड लेने जाएंगे तो बिटकॉइन का नोड है हार्डवेयर सिस्टम का, यानी कि बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट आपको डेवलपमेंट करना पड़ता है। आज माइनिंग के लिए मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे मीटिंग में मैंने माइनिंग का पूरा मेथड बताया कि प्रूफ ऑफ वर्क होता क्या है, कैसे काम करता है, तो आज मैं उतना डीप भी नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे को बहुत सारे टॉपिक्स में आपको आपके साथ में इस मीटिंग के अंदर में आपको साथ में शेयर करना है, राइट। तो बिटकॉइन का मैंने सिर्फ प्रूफ ऑफ वर्क जो सिस्टम बनता है एक हार्ड नोड होता है, हार्ड मतलब एक बहुत सारे सिस्टम हजारों सिस्टम एक साथ कनेक्ट करते हो आप, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम मशीनरी सिस्टम आप इकट्ठा लगाते हो और उससे पावर जनरेट होता है, पूरी पावर मिला के उसके जो नाम होता है वो होता है नोड। तो बिटकॉइन का जो नोड है वो हार्डवेयर सिस्टम का नोड, राइट। और इसके अलावा इथेरियम का जो नोड होल्डर है, इथेरियम का नोड लेने के लिए इन्होंने सिस्टम रखा प्रूफ ऑफ स्टेकिंग, इन्होंने हार्डवेयर
हार्डवेयर है, नहीं प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम का जो माइनिंग मेथड है वो इथेरियम का नहीं है, इथेरियम का माइनिंग मेथड है प्रूफ ऑफ स्टेकिंग। तो स्टेकिंग करने के लिए इसका कंडीशन क्या रखा है, इनके जो लेखा जोखा था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया था, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो क्या था कि अगर आप इसका माइनिंग मेथड में पार्टिसिपेंट करना चाहते हैं, इथेरियम का माइनिंग मेथड में अगर पार्टिसिपेंट करना चाहते हैं तो 32 इथेरियम आपको एक साथ में लॉक करना पड़ेगा एक साल के लिए, है ना। तो अगर एक साथ में 32 इथेरियम लॉक करेंगे तो आज के तारीख में आप चेक कीजिएगा, मैं वो भी दिखाता हूँ हर मीटिंग में, आज वो भी नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं इथेरियम का खुद उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अंदर में पूरा कंडीशन डाला हुआ है कि 32 इथेरियम एक साथ में अगर लॉक करोगे एक साल में, तो एक साल में जो रिटर्न आएगा आपको 3.2% पर ईयर, यानी साल में 3.2% इथेरियम आपके पास में आएगा, और वो आएगा डेली बेसिस पे, यानी 3.2 का जो परसेंटेज होगा वो आपको कैलकुलेट होकर के डेली रिवर्ट कर थ्रू आपको मिलेगा। यानी कि जो भी व्यक्ति किसी भी माइनिंग सेक्टर में पार्टिसिपेट करता है, जैसा सपोज प्रूफ ऑफ वर्क मतलब क्या है, आपने कुछ किया, प्रूफ ऑफ वर्क क्या किया, आपने बिटकॉइन को डेवलपमेंट होने के लिए आपने कंट्रीब्यूट किया, उसको नोड रन किया, तो कुछ किया उस प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट होने के लिए, उसके बदले में आपको मिलता है रिवॉर्ड, राइट। और वो जो रिवॉर्ड अर्न करता है उसको कहते हैं माइनर। सेम थिंग इथेरियम पे, तो इथेरियम का अगर आप रिवॉर्ड अर्न करना चाहते हो तो प्रूफ ऑफ स्टेकिंग में आपको पार्टिसिपेट करने का और 32 इथेरियम एक साथ में लॉक करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के आपको एक लाइसेंस प्राप्त होगा तो आप वैलिडेटर बनते हो इथेरियम का एज ए माइनिंग माइनर हिसाब से। ये था इथेरियम सिस्टम का। ये दो सिस्टम अभी तक देखा, पीएनबी को आपने देखा, यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेकिंग है, मैटिक को आपने देखा, मैटिक में भी प्रूफ ऑफ स्टेकिंग है, राइट। और इनके जो नोड लेने का तरीका अलग अलग सिस्टम के है, लेकिन आज नोडवेक्स के अंदर में अगर जो नया व्यक्ति है वो ध्यान से इस बात को सुन ले कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी जितना ज्यादा बेटर होगा, जितना ज्यादा अपग्रेड टेक्नोलॉजी होगा, जितना ज्यादा यूनिक यूनिकनेस होगा, उतना ज्यादा आपके प्रोजेक्ट उतना जबरदस्त तरीके से ब्रांडिंग होगा, एक अच्छा प्राइज आपको गेन करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे अभी हम जो बेसिक थोड़ी बहुत बात किया, तो अभी हम जाएंगे नोडवेव्स के लिए, जो आज नोडवेव्स का प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ। तो नोडवेव्स का दोस्तों आपको पता चली कि नोडवेव्स जो सिस्टम शुरू हुआ मेरा पास में जब इसका नोड आया था, यानी कि सबसे पहले सिस्टम में 100 नोड इन्होंने कोई आईसीओ या कोई आईडीओ नहीं लाया दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे राइट साइड में मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये यहाँ पे कोई आई मैक्सिमम सप्लाई 10 बिलियन, लेकिन नीचे में लिखा है नो आईडीओ नो आईसीओ, यहाँ पे कोई आईसीओ आईडीओ लेकर के सिस्टम में नहीं आया। यानी कि एक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, और स्टार्ट होने के बाद आपको उसमें पार्टिसिपेंट करने का मेथड क्या दिया, यानी कि एसेट करने गेन करने का मौका दिया, और वो मौका किस किस रूप में दिया, क्या क्या सिस्टम के माध्यम से, क्या क्या टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप नोडवेव्स का एसेट गेन कर सकते हो दोस्तों, राइट। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि नोडवेव्स के एसेट गेन करने के लिए क्या क्या सिस्टम आपको दिया है, राइट। तो ये चीज आप यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं यहाँ पे नोड, ये नोड पे अपन जाते हैं, व्हाट इज नोड। तो नोड नोड मतलब वही चीज है जो भी प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट होने के लिए उस प्रोजेक्ट को इकोसिस्टम को सपोर्ट देता है और उस नोड को परचेस करता है, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर होता है जो नोड को परचेस करता है और उस नोड को उसके इकोसिस्टम को होने डेवलपमेंट होने के लिए सपोर्ट करता है। तो जो सपोर्ट करेगा उसको मिलेगा रिवार्ड, यानी कि नोड क्या काम कर रहा है दोस्तों, माइनिंग का काम कर रहा है। लेकिन बीटीसी का नोड, इथेरियम का नोड यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले बिटकॉइन का नोड था हार्डवेयर सिस्टम का नोड है, और हार्डवेयर सिस्टम को पूरा सेटअप लगाना पड़ता है, उसमें डिफिकल्टी लगातार बढ़ते चला जा रहा है, लगातार उसका डिफिकल्टी बढ़ने का वजह से आज नया टेक्नोलॉजी अपनाना चाह रहा है। तो नया टेक्नोलॉजी, उससे नया टेक्नोलॉजी अपडेट होकर के इथेरियम मार्केट पे प्रूफ ऑफ स्टेकिंग चालू किया। लेकिन नोडवेव्स के अंदर में आपको क्या क्या मेथड है, पहला चीज नोड यानी कि, और इसके जो नोड है वो सॉफ्टवेयर नोड है, हार्डवेयर नोड नहीं है, यानी कि एक लाइसेंस आपको मिलेगा वो सॉफ्ट नोड में होगा, और उस लाइसेंस को किसी भी, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, नोडवेव्स नोड आर द इंडिविजुअल कंप्यूटर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब दैट सपोर्ट द नोडवेव्स इकोसिस्टम, कोई न्यू पर्सन से नोड लाइसेंस, यू कैन डाउनलोड एंड रन ए नोड ऑन योर पर्सनल मैक और विंडोज कंप्यूटर विच विल ओपन अप अपॉर्चुनिटीज टू रिसीव रिवार्ड एक्सक्लूसिव एनएफटीज एंड विल हेल्प द नोडवेव्स इकोसिस्टम ग्रो। यानी कि आपने जो नोड लिया
उसकी वजह से इस नोड्स का इकोसिस्टम ग्रो होने के लिए आपने कंट्रीब्यूशन दिया अपना, जिसकी वजह से आपको मिलता है नोड। और वो नोड कौन सा है? सॉफ्टवेयर नोड है, जो किसी भी मैक, किसी भी विंडोज, किसी भी कंप्यूटर्स में आप उसको रन करवा सकते हो। तो क्लियर है। दूसरा चीज, वोटिंग राइट मिलता है। तीसरा चीज, उसके बाद डेली रिवर्ड्स मिलता है। ये रिवर्ड महीना में, 1.5 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में नहीं, डेली रिवर्ड मिलता है। कब तक मिलेगा? जब तक ये प्रोजेक्ट रहेगा, तब तक। जब तक ये प्रोजेक्ट रहेगा तब तक आपको नोड में आपको रिसीव, आपको रिवॉर्ड मिलते रहेगा। से उसके बाद में एक्सक्लूसिव एनएफटी। एनएफटी आपको पता होगा कि एक मेटावर्स सिस्टम है, कि दुनिया में मेटावर्स तेजी से जा रहा है। तो सारे प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन के तहत आ जाएंगे और सारे गेमिंग इंडस्ट्री ब्लॉकचेन में आ जाएगा। और उस समय में हर व्यक्ति को एनएफटी का जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो नोड होल्डर होगा उनको रिवॉर्ड का रूप में भी एनएफटी भी आएगा। ठीक है, समय होगा तो थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करूंगा एनएफटी किस प्रकार से काम करेगा और क्या वैल्यू देगा, और नोड होल्डर को उस एनएफटी से कितना कमाने का मौका मिलेगा, क्यों मिलेगा उसको। राइट, तो अपन आगे चलते हैं। यहाँ पे आज यहाँ इस नोडवेव्स का जो प्रोजेक्ट है, इसमें नया क्या है दोस्तों? बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट है, इसकी टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है? पहला टेक्नोलॉजी नोड मैंने आपको बता दिया। दूसरा टेक्नोलॉजी है प्रूफ ऑफ बर्निंग, जो इस पूरा इंटायर क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में पीओबी, यानी कि एक माइनर पार्टिसिपेंट करता है पीओबी लेकर, यानी कि मार्केट में जो सप्लाई में आया हुआ टोकन को आप डिस्ट्रॉय कर रहा हो और उसके बाद में आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ये माइनिंग प्रोसीजर में आ गया है। तो इसको बोलता है प्रूफ ऑफ बर्निंग, यानी कि बर्न करना। नया लोगों के लिए बर्निंग शब्द नया लगेगा, जो क्रिप्टो से पूरी तरह से अवेयर नहीं है। तो बर्निंग का मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना, जला देना, यानी कि सप्लाई में जो माल आया हुआ है उसको खत्म अगर आप करते हो तो उसके बदले में आपको उसको आपको कहा जाता है पीओबी, यानी प्रूफ ऑफ बर्निंग टेक्नोलॉजी में पार्टिसिपेट करना। तो पहला नोड्स रिवर्ड्स जो प्रूफ ऑफ वर्क का बीटीसी में, उसके बाद प्रूफ ऑफ बर्निंग, उसके बाद में पीओएस जो एथेरियम का और अदर प्रोजेक्ट के पास में जो प्रूफ ऑफ स्टेकिंग है। यानी कि इस नोडवेव्स के अंदर में 3 टाइप ऑफ माइनिंग प्रोसीजर, यानी कि एसेट गेन करने का। दोस्तों जो पहले मैंने एसेट गेन करने का टाइम आपको बताया, उस एसेट गेन करने का 3 प्रकार की रास्ता है। 3 प्रकार की रास्ता दोस्तों, यहाँ पे एक तो नोड, दूसरा है पीओबी, तीसरा है प्रूफ ऑफ स्टेकिंग। तो नोड लगभग नोड से जो लोग शुरुआत किया था मेरा समय पे, यानी कि अक्टूबर 2022 में मैंने नोड परचेस कर लिया था। उस समय से लगातार मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है, आज भी मिल रहा है, आगे भी मिलेंगे, 10 साल तक मिलेंगे। पीओबी एक बहुत बड़ा माइनिंग प्रोसीजर सिस्टम है यहाँ पे, कि अगर आप बर्न कर देते हो तो उसके बदले में भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और बहुत लोगों ने लगातार पार्टिसिपेट किया गया किया जिसमें से 1 करोड़ बर्न करते हो आप, उसके परसेंटेज भी बहुत ज्यादा। और उसके बाद में 10 लाख बर्न करते हो, उसके बाद में 5 लाख बर्न करते हो, उसके बाद 2.5 लाख बर्न करते हो, उसके बाद में 1 लाख बर्न करते हो। फास्ट स्लॉट का माध्यम से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। राइट, और मैं आपको बता दूं, इसके 2 वर्जन है। पहला वर्जन में क्या है आपको याद रखना होगा, 1 लाख, क्योंकि यहाँ मैं टैब के माध्यम से मीटिंग्स ले रहा हूँ, इसमें मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। राइट, तो यहाँ पे एक तो आपको मैं बता दूंगा, आप उसको नोट डाउन कर दे, जो नए लोग हैं, पुराने लोग सभी को पता है कि 1 करोड़ का और 1 लाख से 1 करोड़ का। तो 1 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ का, ये एक पहला स्लैट वर्जन 1। दूसरा एक वर्जन 2 है जो बी टू में आया, सेम नाम से, नैनो, मिनी, किलो, मेगा और गीगा। तो एक ही नाम से वर्जन 2 भी सेम नाम से आया, यानी कि 5 स्लॉट का जो नाम मैंने बताया। तो इन 500 स्लॉट में पहला जो वर्जन 1 में 1 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ का बांध कर सकते हैं, और उसके अलग अलग रिवार्ड रेशो है। सेकेंड जो वर्जन 2 आया, उसमें 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 और 75,000, यही। तो अभी आपको एक नए लोगों के लिए एक ये होगा कि इसमें पार्टिसिपेंट करने के लिए सिर्फ उनके पास में अगला 7 दिन है, यानी कि अगला 7 दिन के बाद आपको ये जो वर्जन 1 वाला है, नहीं, 1 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख और 10 लाख और 1 करोड़ का ये पैकेज बंद होने जा रहा है। इसके बाद में वो बड़ा पैकेज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, तो उसको एसेट गेन करने के लिए वर्जन 2 ही रहेगा। मतलब छोटी छोटी स्लॉट के माध्यम से आप एसेट गेन करेंगे। बाकी पीओबी में जो लोगों ने बड़े बड़े पैकेज में पार्टिसिपेट किया, एक बड़ा एसेट उन्होंने बनाया,
नोड्स के अंदर में जो लोग स्टार्टिंग पे नोड लेकर के एक बड़ा एसेट उनका बना था, दुनिया में पहला ऐसा सिस्टम होता है दोस्तों कि जहां पे मैंने मैट्रिक का एग्जाम्पल लिया था एसेट गेन करने के, एसेट गेन करने का, तो वहां पे किसी प्रोजेक्ट में उनके प्राइस ओवर सॉरी प्राइस प्राइस और आपको एसेट दोनों एक साथ में नहीं मिला, दोनों एक साथ में आपको नहीं मिला। दुनिया में बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आपने देखा होगा जिसमें दोनों चीज आपको एक साथ में नहीं मिला, राइट। यहाँ पे ये जो टाइमिंग मैंने आपको पहले दिखाया था, तो यहाँ पे पार्टी यहाँ से एंट्री किया, यहाँ पे एंट्री किया, और एंट्री करने के बाद यहाँ तक एक बहुत बड़ा प्राइज इसको नहीं मिला, राइट। 2021 तक यानी कि 19, 20 और 21 3 साल के अंदर में बहुत बड़ा प्राइज उनको नहीं मिला। लेकिन आपको मैं नोडवेव्स के अंदर में बता दूं, जिन लोगों ने यहाँ पे नोड में पार्टिसिपेट किया था, जिनके पास में एक अच्छा एसेट था, उनको पता होगा कि इसके रेट कितना गया था, यानी कि 0.000 ट्रिपल ऑन से इसका प्राइस शुरुआत हुआ था, जो मार्केट का रेशो है, रिजल्ट देखेंगे हम लोग, राइट। तो वहां से लेकर के 2.5 सेंट तक इसके रेट चला गया था। 2.5 सेंट इंडियन करेंसी की अगर बात करूं, लगभग 2 रुपया 40 पैसा इसका हाई मारा था। तो स्टार्टिंग पे जो लोग यहाँ से नोड के माध्यम से काफी सारे यहाँ पे टोकन प्राप्त किया था, तो काफी सारे लोग वहां से गेन किया, तो क्या हुआ, एसेट प्लस प्राइस दोनों, एसेट गेनिंग के टाइम में दोनों चीज मिला। और दुनिया में ऐसा प्रोजेक्ट बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है जो एसेट प्लस प्राइस दोनों चीज इकट्ठा मिल रहा है, नहीं मिलता दोस्तों ऐसा प्रोजेक्ट। तो वो आपको नोड बेस के अंदर में देखने को मिला कि जहां पे प्राइस और आपको रेट दोनों चीज आपको यहाँ पे एक साथ में मिलेगा दोस्तों। तो मैंने आपको यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के मैंने क्या क्या बताया, यहाँ पे 3 प्रकार की सिस्टम जो नोड के माध्यम से आप एसेट ले सकते हैं, इसके एसेट गेन कर सकते हैं, और अभी भी ये पीओबी और प्रूफ ऑफ स्टेकिंग अभी जस्ट अभी चालू हुआ है। तो एक तो पहले जो कम्युनिटी आया था वो नोड में पार्टिसिपेट करके एसेट गेन किया, दूसरा कम्युनिटी आया तो पीओबी प्रूफ ऑफ बर्निंग में पार्टिसिपेट करके एसेट गेन किया, तीसरा कम्युनिटी अब आने वाला है जो प्रूफ ऑफ स्टेकिंग यानी कि स्टेकिंग करके भी वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब हमारी प्रोजेक्ट में 3 प्रकार की एसेट गन करने का सिस्टम है जहां पे एसेट प्लस प्राइस दोनों मिल जाता है, लेकिन हमारी प्राइस गेनिंग का टाइमिंग अभी बाकी है। कब प्राइस टाइमिंग आएगा, तो यहाँ पे जो आपको पहला यूज केस दिख रहा है ये जो मूव टू अर्न, मूव टू अर्न एक हेल्थ एप्लीकेशन ऐसा आ रहा है जो दुनिया में धूम मचाने वाले हैं, ऐसा जबरदस्त। अगर मैं बात करूं क्या मूव टू अर्न ये जो प्रोजेक्ट है, मूव टू अर्न मतलब आप शरीर का कैलोरी बर्न करेंगे, सुबह सुबह वॉकिंग करेंगे, मॉर्निंग वॉकिंग करेंगे, और हमारी एप्लीकेशन को फ्री में डाउनलोड करेंगे ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, और सुबह सुबह आपके शरीर का कैलोरी आप घटाएंगे और उसके बदले में रिवॉर्ड में मिलेगा एंडोमिस टोकन, कैसा रहेगा दोस्तों, मजा आएगा ना। और उस एप्लीकेशन के अंदर में क्या क्या रहेगा दोस्तों, उस एप्लीकेशन के अंदर में आपके बीपी कितना है, आपके शुगर लेवल क्या है, आपको बीपी मैनेज करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, शुगर लेवल मैनेज करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या डाइट होना चाहिए, किस टाइप का डॉक्टर के पास में आपको जाना चाहिए, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट कहाँ पे मिलेगा, उसका कॉन्टेक्ट नंबर कैसे मिलेगा, उनका वेबसाइट कहाँ मिलेगा, किस प्रकार से अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स करोगे, सारे चीज एवरीथिंग आपको उस हेल्थ एप्लीकेशन के अंदर में इंक्लूडेड रहेगा। और साथ साथ में सुबह सुबह जब आप इसको यूज करते हो, और यूज करने के बाद उस यूज करने के बाद आपको इस एंडोमलेस का टोकन आपको मिलते रहेंगे, उस टोकन को आप कंपाउंडिंग करते जाएंगे या फिर आप सेल करके कैश कराएंगे, ये आपके ऊपर में है। तो ये यूज केस अगला, ये जो एसेट गेन का टाइमिंग चल रहा है और इसके जस्ट इसको पीछे लगभग मुश्किल से अगला 10 दिन के अंदर में आपको इसको इस हेल्थ एप्लीकेशन का जो बेटा वर्जन का फेस होगा वो आपके सामने में आ जाएगा, बेटा टेस्टिंग आपके सामने आ जाएगा। और लास्ट में ऑलमोस्ट सितंबर का एंड तक आपको फुल वर्जन में इसका लॉन्चिंग हो जाएगा, फुल वर्जन में मूव टू अर्न इसका लॉन्चिंग हो जाएगा दोस्तों। तो ये पहला यूज केस आएगा, और यूज केस आएगा, और अभी तक हम लोग सिर्फ इस नोडवेब्स का यानी एंडोमनस टोकन का अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्टिंग है,
जो एमएक्सी, और वो भी कौन सा एक्सचेंज दोस्तों, दुनिया का टॉप 11 रैंक का एक्सचेंज है, यानी पहला लिस्टिंग हुआ, वो भी दुनिया का पहला जो 11 रैंक का एक्सचेंज हुए, रेपुटेटेड एक्सचेंज है, उसमें पहला एंट्री इनने किया, राइट। उसके बाद में अगला इनका बाइनेंस तक का सफर तय करना है, तो एक दो एक्सचेंज में भी आने वाला है, उसके साथ साथ में इसका यूज केसेस चालू हो जाएगा, साथ साथ में दोस्तों इसके इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अपन अगर इकोसिस्टम में जाते दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा यहाँ पे इकोसिस्टम की अगर बात किया जाए, ये जो आपको मूव टू ऑन आने वाला है, और इसके साथ साथ में नीचे में आपको एक चीज और देखना, मार्केट प्लेस दोस्तों, ये मार्केट प्लेस लॉन्च होने वाले हैं, मार्केट प्लेस लॉन्च होने वाले हैं, तो इस मार्केट प्लेस जब लॉन्च हो जाएगा दोस्तों, और इसके साथ साथ में हमारा ये मूव प्रो एप्लीकेशन जब आ जाएगा, तो बहुत बड़ा एक कम्युनिटी यानी यूजर मार्केट में आ जाएगा, और ट्रेडर तो ऑलरेडी आ चुके हैं मार्केट में, क्योंकि एमएक्सी ग्लोबल पे लगभग 1 करोड़ का न्यू कम्युनिटी है जो ट्रेडिंग करते हैं, राइट। तो वो कम्युनिटी ऑलरेडी आ चुके हैं मार्केट में, और यूजर जब आ जाएगा तो लाखों यूजर जब यहाँ पे आ जाएगा, तो एक बहुत जबरदस्त प्राइस आपको देखने को मिलेगा। तो जिनके पास में दोस्तों एसेट है, वो तो उस पूरा प्राइस गेन करेगा, जो एसेट गेन किया वो तो प्राइस गेन डेफिनेटली करेगा। और अभी हमारे प्रोजेक्ट का मात्र 2 साल हुआ है, आप क्रिप्टो करेंसी का यहाँ पे जिस प्रकार से मैंने मैटिक का दिखाया, उसी प्रकार से आप गाला का चेक कर सकते हो, आप इथेरियम को चेक कर सकते हो, बीएनबी को चेक कर सकते हो, कोई भी प्रोजेक्ट को आप चेक करते हो, तो सेम यही केस, लगभग 3 साल का समय लिया, और 3 साल का समय उस इन्वेस्टर को दिया जो स्टार्टिंग पे उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करके माइनर में पार्टिसिपेट किया, एसेट गेन करने का मौका उनको मिला, और उन सभी लोग मल्टी बिलियनेयर हो चुके हैं दोस्तों। अगर इस टाइप का रियल प्रोजेक्ट में आपको काम करने का मौका नहीं मिला होगा, तो ये जो प्रोजेक्ट जो हमारा रोडमैप का साथी है, जो रोडमैप का पार्टनर है, वो इसके लिए बिल्कुल मिस्टेक नहीं करे, बिल्कुल गलती नहीं करे। नया दूसरा जो प्रीवियस जो प्रोजेक्ट अभी आया, हाल फिलहाल इससे पहले प्रोजेक्ट आया था गाला, अगर गाला में आपने अफसोस किया होगा कि काश मैंने गाला का एसेट गेनिंग समय में मैंने पार्टिसिपेट कर पाता, तो अगर उसको देखते हुए आपने अगर अफसोस किया है, तो नोडवेव्स को आप इग्नोर मत कीजिएगा, नहीं तो आपको साथ में भी ऐसा ही अफसोस करने का आपको अफसोस करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसलिए ये जो मीटिंग है, मैंने आपको अवेयर करने के लिए पूरी प्रोग्राम पूरी प्रेजेंटेशन को इस मीटिंग में मैं नहीं लेने वाला, और नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अगर पूरी प्रेजेंटेशन देता मैं, तो आपको लगभग ये सारे इकोसिस्टम मैंने समझाता, लेकिन मैं सारे इकोसिस्टम में बात नहीं किया, और हमारे जो टोकोनोमिक्स है, मैं टोटल टोकोनोमिक्स में भी बात नहीं किया, क्योंकि हमारी काफी सारे लीडर्स ने आपको टोकोनोमिक्स के साथ में बात किया है, सेम बातें अगर मैं बताऊंगा तो हो सकता है बहुत सारे हमारा नेटवर्क पार्टनर है उनको बोरियत लगेंगे, राइट। तो इसके वजह से उसके ऊपर मैं पूरा बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो आपको सिर्फ ये ऑपरेशन दे रहा हूँ कि ये मूव टू अर्न आ रहा है, और इसके साथ साथ में मार्केट प्लेस रेडी हो जाएगा दोस्तों, और इस मार्केट प्लेस को रेडी जब हो जाएंगे, तो इस मूव टू अर्न के लिए एप्लीकेशन आ जाएगा, यानी कि दो प्रकार की दोस्तों, दो प्रकार की हमारे पास में आएगा। जैसा मार्केट प्लेस की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे मार्केट प्लेस पे अगर आपको दिखाऊं मैं, ये कुछ इस प्रकार के इंटरफेस होगा इसका, मार्केट प्लेस का हमारा, ये इस टाइप का, और ये मार्केट प्लेस होगा जैसा आपको जो है ना, जैसा ओपन सी मार्केट दोस्तों, ओपन सी मार्केट दुनिया का एकमात्र एनएफटी मार्केट है जो ओपन सी मार्केट, सेम थिंग उसी प्रकार का एक मार्केट प्लेस हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे खुद के हमारा मार्केट प्लेस हो रहा है, और ब्लॉकचेन के साथ में हमारी मार्केट प्लेस और ओपन सी मार्केट कनेक्टेड रहेगा एक दूसरे के साथ से, यानी कि हमारी मार्केट में बाहर के लोग भी पार्टिसिपेंट कर पाएगा, और हम लोग भी इसमें पार्टिसिपेंट कर पाएंगे, और साथ साथ में इस मूव टू अर्न के लिए, जो मैंने आपको मूव टू अर्न किया था, मूव टू अर्न करने के लिए जो एनएफटी की आवश्यकता पड़ेगी, उस एनएफटी आपको नोडवेव्स लीडर के पास में भी रहेगा, नोडवेव्स का नोड जिसके पास में रहेगा उसको भी रहेगा, तो दो प्रकार की एसेट उनको मिलना शुरू हो जाएगा, पहला एसेट गेन किया एनडब्ल्यू टोकन का रूप में, दूसरा एसेट गेन करेंगे इसके प्रोडक्ट जो एनएफटी होगा, एनएफटी इसका प्रोडक्ट होगा, और इस एनएफटी का यूज कौन करेगा, जो लोग फ्री एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पर डे जो हमारा टोकन को गेन करेंगे, पूरा टोकन को मजा उठाएंगे दोस्तों, पूरा टोकन को वहां पे अचीव करेंगे, है ना,
अब उस टोकन को मान लेते सिंगल फ्री में जो टोकन मिलेगा, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं सपोज एक व्यक्ति सुबह में 1,000 कदम चलता है, एक हजार कदम चलने के बदले में उसको 1,000 टोकन मिलता है, राइट। अगर वही व्यक्ति के पास में और उसके उसके जो प्लेटफॉर्म होगा वहां पे नोटिफिकेशन उसको आ जाएगा कि यदि आपके पास में अगर इसके एनएफटीज होता है तो आपको 1,000 टोकन डेली मिल रहा है, उसके बजाय में हो सकता है 5,000 टोकन आपको डेली मिलने लग गया। ये मैंने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो व्यक्ति क्या करेगा, अरे वाह मैं तो फ्री में अपना शरीर का कैलोरी घटा रहा हूँ और उसके बाद मुझे 1,000 टोकन डेली मिल रहा है, तो वो व्यक्ति फैमिली का सबको ले जा करके सुबह सुबह रनिंग करना शुरू कर देगा और हर एक एक व्यक्ति 1,000 टोकन। इसके बाद में जब ज्यादा टोकन उसके पास में आया, फिर उसी टोकन से वो मार्केट से मार्केट प्लस में जाएगा और हमारा एनएफटी परचेस करके जहां पे 1,000 टोकन मिल रहा था उसको, वहां पे वो 5-5 हज़ार टोकन एक एक आदमी एचीव करेगा। और एनएफटी हमारा 5 कैटेगरी का एनएफटी होगा, 5 कैटेगरी का। तो अगर एक नॉर्मल रहेगा उससे हाई, उससे हाई, उससे हाई, जितना बड़ा एनएफटी उसके पास में तो उतना ज्यादा टोकन उसको रिवॉर्ड के थ्रू मिलेंगे। और वो सारे एनएफटी सेल कौन करेगा, नोड वेब लीडर, नोड वेब नोड होल्डर, राइट। इसके अलावा कुछ लोगों ने जो स्टार्टिंग होगा इसका एनएफटी, तो कुछ लोगों ने एनएफटी भी होल्ड करेंगे। यही लोग जब एनएफटी का रेट बढ़ेगा तो एनएफटी भी ट्रेडिंग होगा, राइट। और इस एनएफटी जो क्रिएट करने वाला, यानी हमारा जो क्रिएटर टीम है, उस क्रिएटर टीम हमको ट्रेन करेगा। आप किसी भी एनएफटी पर में जब आप क्लिक करते हो ओपनसी मार्केट में जा करके, आप देखेंगे उसके नीचे में गैस फीस 10%, यानी कि उस एनएफटी जिसने क्रिएट किया उसको 10% उस क्रिएटर को चला जाता है। तो हमारा क्रिएटर का जो टोटल प्रोजेक्ट है उसके उस क्रिएटर को जो परसेंटेज है 10%, वो हमारा लिक्विडिटी में आके ऐड हो जाएगा और उस लिक्विडिटी से ऐड हो करके हमको उसको फिर से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रिसाइकल में आकर के हमको नोड से रिवॉर्ड ज्यादा मिलने लगेंगे दोस्तों। तो ये कौन सा प्रोजेक्ट है, कैसा प्रोजेक्ट है, आपको अगर अनजान में भी आ गया होगा दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का पूरी तरह से आप इसको एनालिसिस कीजिए और एसेट का वर्क को ध्यान दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा एसेट आपको कैसे हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट नेक्स्ट मात्र 7 दिन, 7 दिन के अंदर में मेगा गीगा किलो नैनो मिनी ये सारे पैकेज बंद हो रहा है। तो आपके हितोषी पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके मित्रों, जिसको भला चाहते हो, अगर उनके पास में 10 लाख टोकन का भी अगर बर्निंग नहीं है दोस्तों, अगर आप उनके अगर थोड़ी थोड़ी सी भला करना चाहते हो विदाउट लाइबिलिटी, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा सिस्टम के अंदर में किसी भी प्रकार की लाइबिलिटी नहीं है, ऐसा सिस्टम यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर में। आप देखो कि हमारा डाउ प्रोजेक्ट है, डाउ का मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन 100% डिसेंट्रलाइज। अगर आप गाला की बात करें, जो आज एक सक्सेसफुल बाइनेंस के अंदर लिस्टिंग है गाला, जो आज एक सक्सेसफुल सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, तो वहां पे 100% डिसेंट्रलाइज नहीं है दोस्तों। उसके बाद भी ब्रांडिंग करके मार्केट में एक अच्छा जगह उन्होंने बनाया। तो हमारी प्रोजेक्ट के अंदर में अगर 100% अगर डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, सीमित नोड है, 2,000 नोट तो ऑलरेडी सोल्ड आउट है, अगला 8,000 नोट और आना बाकी है दोस्तों। तो यहाँ पे एक बड़ी बड़ी परिवर्तन मैंने अपडेट दिया कि जो आपको मेल के थ्रू मिल गया होगा, काफी सारे लोगों ने, हो सकता है मे भी कि उन्होंने मेल चेक नहीं किया होगा, और अगर मेल चेक नहीं किया होगा तो उनको मेल चेक अगर नहीं किया होगा तो उनको ये पता नहीं होगा कि इसका जो नोड वेस्ट का जो बर्निंग सिस्टम है, ये बर्निंग सिस्टम आप उसको बर्निंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे दोस्तों, राइट। तो ये चीजें आपको वहां से आपको पता चलेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको ये देखने की जरूरत है दोस्तों इसके अंदर में, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे चीजें मैंने आपको कुछ नया अपडेशन दिया, एनएफटी मार्केट प्लेस का कुछ नया अपडेशन दिया, और मैं आपको और कुछ अपडेशन नया दूंगा। और उसके लिए आपको जो टोकोनोमिक्स है हमारा, उस टोकोनोमिक्स को अगर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा दोस्तों, इसका टोकोनोमिक्स कैसे किस प्रकार से यहाँ पे काम होता है। हाँ थोड़े से वेट कीजिए मेरा, हाँ ओके। तो यहाँ पे आपको इतना देखने की जरूरत है, ये जो हमारा यहाँ पे एक चीज और आपको देखने की आवश्यकता है, ये जितना भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, आपको ये जो टोकोनोमिक्स मैंने आपको जितना टोकोनोमिक्स दिखाया, इस टोकोनोमिक्स के अंदर में आप जाएंगे
यहाँ पे ये सारे जो भी आपको यहाँ पे परसेंटेज आपको दिख रहा है, इस परसेंटेज को आपको ब्लॉकचेन पे यानी पॉलीगन का हमारा ब्लॉकचेन है, पॉलीगन में जा करके 25% नोड होल्डर को मिलेगा 10 साल में, यानी कि एक नोड होल्डर को 10 साल तक नोड टोकन मिलेगा। पीओबी प्रूफ ऑफ अर्निंग में जो पार्टिसिपेट किया उनको 1 साल में उनको पीओबी का रिवार्ड मिलेगा 1 साल तक। प्रूफ ऑफ स्टेकिंग में जो लोग स्टेक करेंगे उन लोगों को 1 साल तक उनका रिवार्ड मिलेंगे, राइट। तो ये तीनों सिस्टम को, ये जितना भी टोकनॉमिक्स 25%, तो ये जो प्रोजेक्ट का है ये पूरी प्रोजेक्ट का अगर 50%, 20 में से अगर आप 20 में एक लाइन खींच देते हो तो ऑलमोस्ट इस पूरी प्रोजेक्ट का 50% का जो टाइमिंग है नोड रिवार्ड, पीओबी रिवार्ड और प्रूफ ऑफ स्टेकिंग रिवार्ड। तो बाकी कितना है लगभग यहाँ पे 25, 25, 50 और 5, 55, 55% टोकन दोस्तों एसेट गेनिंग का टाइम माइनर का, 3 प्रोकर का सिस्टम के माध्यम से इसका प्राइस आप गेन कर सकते हैं। और इसके पूरे जो सारे सिस्टम की अगर मैं बात करूं, अगर ये सारे सिस्टम एक साथ में जैसा एक दो और एक्सचेंज में आ जाता है, यूज केस मार्केट में आ जाता है, लाखों यूजर यहाँ पे आ जाएंगे, बहुत सारे जगह से हमारा ऑलरेडी डिमांड आ रहा है लिस्टिंग के लिए, लेकिन हम लोग हमारा जो सिस्टम है अच्छा एक्सचेंज में जाना चाहते हैं, और इस वजह से छोटे मोटे जो एक्सचेंज है उस पर लिस्टिंग ही नहीं करवा रहा है, राइट। तो इससे भी हमारा एक वैल्यूएशन बढ़ रहा है हमारा प्रोजेक्ट का। तो दो एक दो तीन अच्छा एक्सचेंज लिस्टिंग हो जाना प्लस हमारा मार्केट प्लेस आ जाना, और इसके अलावा इस बीच में एक अच्छा प्राइस आएंगे, लगभग 2 से 5 सेंट का एक प्राइस हो सकता है, मे बी कुछ समय के अंदर में आ जाए। उसके लिए मैंने एक छोटा सा न्यूज दूंगा और उस न्यूज में हो सकता है आ जाए, तो उसके वजह से इसके प्राइस अच्छा जाएगा। लेकिन सावधान रहे कि अगर आपके पास में एक अच्छा रेट का, एक अच्छा लेवल का रेट मिलने से पहले अगर आप 2-3 सेंट पे, 5 सेंट पे अगर आप टोकन को पूरी तरह से क्लियर कर दें, आपके एसेट को आप बेच डालेंगे, हो सकता है वो प्राइस आप गेन करने को नहीं मिले जो कि एक बुल मार्केट पे आपको देखने को मिलेगा, राइट। 2025 का एंड तक हो सकता है, 26 का पहले भी हो सकता है या उससे पहले भी हो सकता है, क्योंकि इस मार्केट को कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कोई व्यक्ति इस मार्केट का भगवान नहीं है, राइट। तो आपको बुल का फॉलो करना है, और बुल मार्केट को फॉलो करते हुए जो भी आपको रेट लेगा, जिस रेट में भी आपको एग्जिट लेने का इच्छा हो उस रेट पे आप एग्जिट कर सकते हो दोस्तों, राइट। तो यहाँ पे आपको इस चीज को आपको समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इस पूरी प्रोजेक्ट को किस तरह से वर्क करता है। मैंने आपको जो खास जो अपडेट देना चाहता हूँ, उससे पहले मैं थोड़ा सा बाहर आना चाहता हूँ अपने स्क्रीन शेयर से। ओके, तो इस पूरी जो अपडेशन एक देना चाहता हूँ, अभी एक ऑफर, अभी आपने देखा होगा कि अभी अगर कोई नोड आप परचेस करते हो, जो बाइक आप क्लिक करते हो, तो वहां पे लगभग आज के जो रेट है उस रेट के अनुसार में 17 लाख से कुछ ऊपर नीचे जो भी होगा, व्हाटएवर एग्जिट जो भी रेट होगा आप उसको देख लीजिएगा, तो 17 लाख का समथिंग टोकन लगता है नोड परचेस करने के लिए। लेकिन उसमें नीचे में थोड़ा सा एक ऑफर दिया हुआ है, 15%, 50% आपको ऑफर ऑफर में 50% ऑफर में आपको नोट मिलता है, यानी कि लगभग लगभग 17 लाख जहाँ पे लगने वाला था वहां पे लगभग 15 लाख टोकन पे आपको आपके इसके वो मिल जाता है, नोट मिल जाता है 15 लाख। लेकिन एक ऐसा शानदार जो मुझे सुनने को मिला, आपको लंच हो जाएगा आप यहाँ पे, क्योंकि हर एक नोड होल्डर आप वोट में पार्टिसिपेट करते हो, आप वोटिंग करते हो और वोटिंग के अनुसार में आपको डिसीजन लिया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जब आप वोट करेंगे तो वो बिना वोटिंग का प्रोजेक्ट आगे नहीं पहुंचेगा। तो अभी एक हफ्ते के अंदर में आपके जो डैशबोर्ड है ना, जो भी लोग नोड यूज कर रहे उसको पता होगा, जो डैशबोर्ड है उस डैशबोर्ड के नीचे में आपको एक ऑप्शन है जगह वोटिंग्स, वोटिंग्स यानी कि आगे जो सिस्टम आने वाला है उस सिस्टम के लिए आप नोड होल्डर को जो वोटिंग्स राइट है आप सारे नोड होल्डर के मिल करके आप वोट करेंगे, यानी कि जिसके पास में एक नोड है वो एक वोट करेंगे, जिसके जिसके पास 10 नोड है वो 10 वोट करेंगे, अगर एक ही आईडी में 10 नोड उनने ले रखा है तो एक साथ में वो 10 वोट वो कर पाएंगे। 10 वोट के बाद वो पहले कितना भी वोट करे लेकिन वो आगे कोई काउंटिंग नहीं होगा अगर 10 नोड है तो, और अगर अलग अलग आईडी पे उसने एक 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 नोड करके अगर मल्टीपल नोड उनने ले रखा है 10, 15, 20 नोड अगर लिया तो उतना वोट अलग अलग आईडी लॉगिंग करने के बाद वो वोट कर पाएगा, राइट। तो आप उस वोट करने के लिए यहाँ पे अगर मान लेते हैं आज के तारीख में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा समझते हैं कि नोड का हमारा वैल्यू है लगभग
17 लाख टोकन देना पड़ रहा है, यानी कि अगर डॉलर में काउंट करें तो लगभग $3,000 लगता है, और उसके हिसाब से अगर पर डे का अगर अपन टोकन का रेट देखें तो लगभग लगभग आपको यहाँ पे टोकन का रेट मिलता है कितना आपको, सॉरी पर डे जो टोकन आपको आता है तो लगभग 840 टोकन एक नोड होल्डर को आता है आज की तारीख पे, जो सेकेंड हल्विंग पे, फर्स्ट हल्विंग के नोड होल्ड सभी लोगों को ज्यादा मिला, ये सेकेंड हल्विंग है तो सेकेंड हल्विंग में आपको 840 टोकन एक नोड होल्डर को मिल रहा है, तो उनको ऐसा लगता है कि $3,000 का नोड है, एक तो नोड का वैल्यू ज्यादा है, और उसके बाद में इसके जो डेली का जो मेरा रिवॉर्ड आ रहा है वो रिवॉर्ड कम आ रहा है, तो व्यक्ति क्या करता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट के अंदर में जुड़ा हुआ जो नेटवर्क इंडस्ट्री से हम लोग बिलोंग करता है, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग से आई हुए व्यक्ति है, तो हम लोग क्या करते हैं आरओआई प्लान के तहत डेली बेसिस पे इसको काउंटिंग करते हैं, इसको प्रोजेक्ट के नजरिए से हम लोग नहीं देखते हैं, जिस नजरिए से मैंने पहले बात किया कि एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट को किस नजरिए से देखना चाहिए, तो उस नजरिए से ना देखते हुए कि आरओआई के प्लान के सिस्टम के थ्रू वो इस प्रोजेक्ट को देखता है, इसलिए वो काउंट करता है कि मेरा पर डे 800 टोकन आ रहा है तो आज का रेट इतना 0.0016 सेंट है, उस हिसाब से पर डे का मेरा इनकम कितना हुआ, फिर मंथली कितना हुआ, साल भर का कितना हुआ, 6 महीने का कितना होगा, मेरा प्रिंसिपल निकालने के लिए कितना लगेगा, ये काउंटिंग करना शुरू कर देता है, तो उनके दिमाग में कहीं से कहीं तक ये शुरू कि रियल प्रोजेक्ट है, एसेट गेनिंग का टाइमिंग है, मेरे को एसेट गेन करना चाहिए, और मैंने वो डेली आरओआई बेसिस में नहीं जाए तो एक बड़ा पैसा वो नहीं बना पाएंगे, एक अच्छा प्रोजेक्ट होने के बाद वो नहीं नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए खास करके बोलता हूँ कि प्रोजेक्ट को आप एनालिसिस कीजिए बजाय कि आप डेली कैलकुलेशन पे जाए, नोट्स का बेनिफिट को आप समझे, 10 साल तक आपको नोट आने वाला है, 10 साल में हमारा प्रोजेक्ट कहाँ तक चला जाएगा, कितना रेट तक देगा, कितना प्राइस आप गेन कर सकते हो, राइट, तो यहाँ पे वोटिंग से करना पड़ेंगे आपको, अगर मान लेते हैं इसी नोट का वैल्यू हो सकता है, मे बी अभी मैं क्लियर ही नहीं रह, लेकिन एक ऐसा अपडेट आ रहा है जो मुझे सुनने को मिला है कि हो सकता है इस नोड का 50% ऑफर अगर आपको मिलता है, 50% 50% जो टोकन आज लग रहा है जहां पे 15% ऑफ पे आपको टोकन मिलता है, वहां पे अगर 50% ऑफ पे मिलता है तो कैसे रहेगा, और उस 50% पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए 50% टोकन पे, राइट, तो 50% टोकन में वहां पे उसको अगर मिलता है मान लेते हैं 18 लाख 17 लाख पे आता है, तो 17 लाख का अगर 50% ऑफ कर दिया जाता है यानी कि 9 लाख टोकन पे अगर एक नोड मिलता है तो कितना लोग उस प्राइस को वो चाहते हैं या उससे कम चाहते हैं, शायद 3 ऑप्शन आएंगे आपके पास में, अगर डॉलर में बात करूं हो सकता है मे बी कि $1,000 $1,500 का टोकन, $1,000 का टोकन या फिर $2,500 का टोकन या जो भी व्हाटएवर, तो 3 प्रकार के ऑप्शन आएंगे और जितना भी नोड होल्डर है जिसके पास जितना वोट है वो आपस में वोट करेंगे कि वो क्या रेट चाहते हैं, जिससे कि वो व्यक्ति भी नोट और भी ज्यादा ले सके एसेट गेन करने के लिए, और उसके जो मित्रों नहीं ले सका ज्यादा रेट होने की वजह से, और ये सीमित समय के लिए, ये जो ऑफर आएगा वो सीमित समय के लिए, उस सीमित समय के अंदर में कितना लोगों को अब इस बेनिफिट को देना चाहते हैं, कितना रिश्तेदार को कितना फ्रेंड को अब इसको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं या आपके ऊपर निर्भर करता है, ये समझ करके आप लोग वोट करेंगे, और वोट करने के बाद सिस्टम उसी प्रकार से आपको वो चीज यहाँ पे एग्रीमेंट होगा दोस्तों, तो एक तो ये मैंने आपको अपडेशन दिया, पहले मैंने एनएफटी का अपडेशन दिया, दूसरा मैंने आपको बर्निंग स्लॉट अगला 28 तारीख तक जो वर्जन 1 वो बंद हो जाएगा ये आपको अपडेशन दिया, और अगर मान लेते बर्निंग बंद हो जाए तो लोग पार्टिसिपेंट किससे करेगा, स्टेकिंग पे, और लगभग ऑलमोस्ट आज के तारीख में अगर कैलकुलेट करेंगे एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा, अगर आप खुद भी कैलकुलेशन करेंगे ब्लॉकचेन में जा करके तो लगभग 300 करोड़ के समथिंग हमारा इस पूरी प्रोजेक्ट के अंदर में अभी तक बर्निंग हो चुका है, तो उससे एक इम्पेक्ट आएगा मार्केट के ऊपर में, प्लस जब ये वर्जन 1 बंद हो जाएंगे तो बर्निंग पे अगर छोटे पैकेज जो 75,000 तक का पैकेज में अगर बर्निंग में पार्टिसिपेट करते हो, रिटर्न आपको एक साल में कितना मिलता है लगभग ऑलमोस्ट 30%, और स्टेकिंग में भी आपको 30% मिलेंगे, तो स्टेकिंग पे अगर 30% मिलता है और बर्निंग में तो ज्यादा से ज्यादा लोग स्टेकिंग पे आएंगे, तो एक नया अपडेशन कि एक तो बर्निंग हो गया 300 करोड़, बाकी जो है वो स्टेकिंग पे आ जाएंगे, और उसके बाद में नोट का अगर ऑफर मिल जाता है तो जितने लोगों के पास में एसेट है वो ज्यादा से ज्यादा लोड बढ़ाने का कोशिश करेगा, क्योंकि ये चीज इसके भी प्राइस इंपैक्ट में इसका अब हम लोगों को फर्क देखने को मिलेगा, और इसके अलावा बहुत सारे नया नोड होल्डर जो वेट कर रहा था काश अगर मुझे मौका मिल जाता, उन काश को दूर करने के लिए अगर हम लोग वोट करके अगर इसके कुछ रेट अगर कम अपन अगर ला सकते हैं मार्केट में दोस्तों,
तो उस उन सारे लोगों ने $1500 के समथिंग का टोकन, यानी कि 9 लाख या 10 लाख के साथ ही जो भी अवर वोट करेंगे उसके अकॉर्डिंग नोट का प्राइस वहां पे सेट होकर के अगर आता है, और वो ऑफर कुछ सीमित दिन तक मिलता है, उस दिन के अंदर में जितना भी नोट पार्टिसिपेंट करेंगे, नोट बाई करेंगे, तो नोट बाई करने के लिए टोकन की आवश्यकता है, तो उनको मार्केट से टोकन खरीदना पड़ेंगे, उसके बाद में स्टेकिंग में लोग पार्टिसिपेंट करेंगे, तो ऑलमोस्ट मार्केट में टोकन आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो एक अच्छा रेट का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सेल आउट करने के लिए आपको बैठना है, या फिर आपको ज्यादा से ज्यादा एसेट गेन करके ध्यान देना है। क्या प्रेडिक्शन लगाता हूं कि 2025 तक $1 में जाएगा इसके रेट, या $4 में जाएगा, या 2026 में $5 पे जाएगा। आप पूरी प्रोजेक्ट को एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद में आप एनालिसिस करने के बाद आप अपना खुद का डिसीजन खुद इस प्रोजेक्ट के लिए लेंगे दोस्तों, और लेने के बाद आप एसेट गन करते हो, या फिर जो एसेट आपने बनाया उसको एक सीमित रेट पे सेल करके अंदर में बाहर मार्केट से एग्जिट ले सकते हो। नो डाउट एक नोड है, तो 10 साल तक आप मार्केट में टिका हुआ, आपको टोकन तो आएगा, लेकिन कितना परसेंटेज होगा और कितना पैसा के आप कितना बड़ा एसेट आप यहाँ पे सेल करते हो आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट पूरे 100% डिसेंट्रलाइज है। नोड होल्डर, पीओपी होल्डर के लिए, सेलिंग के लिए, होल्डिंग के लिए कोई भी कुछ कंडीशन आपके लिए लागू नहीं होता दोस्तों, आपको पता है डे वन से। कभी भी आपके प्रोजेक्ट को आप यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट में कभी भी आप अपना टोकन को सेल करके आप अपना पेमेंट को कैश करवा सकते हो दोस्तों। तो ये था ऑलमोस्ट आज के जो टाइमिंग था मेरा, लगभग 1 घंटा से ऊपर मैंने आपको ले लिया है। 9:30 बजे से मीटिंग स्टार्ट किया था और 10:44 हो गया, और इस मीटिंग को और लंबा ना खींचते दोस्तों, आज के मीटिंग में इसी बारों गतों के साथ में आप लोगों ने इतना ध्यान पूर्वक, मुझे अभी तक लगभग 180 लोग 182 लोग इस मीटिंग के अंदर में देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप लोगों ने मुझे ध्यान पूर्वक सुना और अभी तक इस मीटिंग में टिके रहे, उसके लिए आप सभी लोगों को मैं बहुत 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 दिल से धन्यवाद देता हूँ, दिल से बधाई देता हूँ। और एसेट गेनिंग करने का टाइमिंग में आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा एसेट गेन करें, इन्हीं बातों के साथ में मैं आज के मीटिंग का विराम देना चाहूंगा। और मेरा आज के जो है होस्ट है मिस्टर विदुर विश्वास का, मैंने पुनराय दोबारा एक बार इस उनको मैंने इन्वाइट करना चाहूंगा, और मेरा वाणी यहीं पे मैं आपको विराम देना चाहूंगा। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।